प्रतापगढ़ जिले के कंथार गांव में 11,000 केवी की लाइट फॉल्ट होने के कारण लगभग 1 बीघा गेहूं जलकर हुए नष्ट। कंथार निवासी ईश्वर सिंह चुनाव ने बताया कि लाइट फॉल्ट होने के कारण मेरे खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगभग 1 बीघा के गेहूं जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों के द्वारा टैंकर व बाल्टी से पानी भरकर आग बुझाई गई। वह सूचना मिलने पर हथुनिया थाना अधिकारी शंभू सिंह व थाने का पूरा स्टाफ मौके पर पहुंचा। इसमें योगेंद्र सिंह चुंडावत, श्यामलाल खटीक, ईश्वर सिंह व सैकड़ों आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों के द्वारा आग बुझाने में सहयोग किया गया। राजपुरिया से जाफर मेहू की एक रिपोर्ट। आज क्या हो गया था? आज कंथार गांव में लूज कॉन्टेक्ट होने की वजह से 11 केवी की ये लाइन है, इसमें स्पार्किंग होने की वजह से आज गेहूं के खेत में, ईश्वर सिंह जी का एक खेत है, इसमें आग लग गई थी। जो ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया था, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने उसको कंट्रोल कर लिया। और हवा नहीं होने की वजह से, किस्मत से हवा नहीं थी, इस वजह से आसानी से कंट्रोल हो गई, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। तो कितने गेहूँ जले? कितने? लगभग 1 बीघा के गेहूँ का नुकसान हो गया। और आसपास कितने गेहूँ खड़े थे? गेहूँ तो यहाँ हजारों ही बीघा का था, और MP में भी ये आग पहुँच जाती अगर ये नहीं बुझाई जाती। बोलिया करो आप। कैसे क्या हुआ था? लाइट फॉल्ट हुई। तो कितने गेहूँ जले आपके? 1 बीघा। तो ये लाइट, पानी, आग कैसे बुझे फिर? ये सब आसपास के पड़ोसी।